हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भोगलिट जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम की मैथ का चैप्टर क्या होता है। मैथ का चैप्टर पूरे जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर। पहला चैप्टर है सूचक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीजगणित का पहला सब चैप्टर है सूचक। दूसरा चैप्टर है करणी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खास रहता है, दो तीन क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तृतीय नंबर पे है जटिल राशि, जो खास करके जो जटिल क्वेश्चन आता है तो थोड़ा इसमें से भी आता है। उसके बाद जानेंगे चौथा जो चैप्टर है, वो है समांतर और गुणोत्तर प्रगति। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें एक दो आते ही रहते हैं। पांचवा है द्विघात समीकरण, जो इन सभी चैप्टरों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द्विघात समीकरण। अब लोग अच्छे से करेंगे बिना संबंध है। ये भी इम्पोर्टेंट है, द्विपद उपपद मैट्रिक्स निर्णय। उसके बाद सीधा आ जाते हैं हम त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में घनात्मक सूखकोण, त्रिकोणमिति, कर्णमिति, वो आदर्श कोण समूह, ये है पहला। द्वितीय है संयुक्ति समतल कोण, भूभाग, ज्योमित कोण, गुणितिक कोण, अंश कोण, त्रिकोणमितीय समीकरण, साधारण समाधान, विपरीत वृत्ति आपेक्षिक। इसके बाद ज्यामितिक में आ जाते हैं। ज्यामितिक में क्या क्या आता है? विभिन्न प्रकार की स्थानांक आता है, सरल रेखा आता है, वृत्त आता है, अर्धवृत्त आता है, उपवृत्त, बड़ा वृत्त। उसके बाद अंतर्कलन विद्या, डिफरेंटियल कैलकुलेशन, जो है पहला अध्याय है अपेक्ष, सीमा, अवच्छिन्नता, औसन्नता, अवकलन, द्वितीय क्रमेर अवकलन, अवकलन समीकरण, और सबसे लास्ट में जो चैप्टर आता है वो समाकलन विद्या, जो अनिर्दिष्ट समाकलन है, परिवर्तन, प्रतिस्थापन पद्धति, आंशिक समाकलन प्रक्रिया, निर्दिष्ट समाकलन। और वेक्टर राशि में क्या आता है? वेक्टर बीजगणित, जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, खास और ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देना और ये चैप्टर एग्जाम देने से पहले खत्म करके जाना। प्लीज प्लीज प्लीज, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू कैंडिडेट फॉर एग्जाम, क्रैक दिस एग्जाम।